नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपकी टीचर्स की परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, इस बारे में आप निश्चित रूप से जानते ही होंगे। ये जो आपकी रिक्रूटमेंट है, कुछ समय पहले आपको पीजीटी की देखने को मिली थी और कल आपको टीजीटी की भी देखने को मिल चुकी है। तो इसी के चलते वैसे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिल ही जाएगी, लेकिन कुछ छोटे मोटे डाउट्स हैं तो उसी विषय पर आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जब हम EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जब हम बात करते हैं, तो आप ये जानते हैं ये जो स्कूल्स हैं, जो ये जनजातीय बालक होते हैं, जो बच्चे होते हैं या फिर जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं, तो उनको एक बेहतर शिक्षा देने के लिए स्कूल्स खोले गए थे और इनके काफ़ी अच्छे स्कूल्स होते हैं। और बाकी जब हम EMRS की बात करते हैं तो इसका भविष्य काफ़ी ज़्यादा उज्ज्वल है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कितने कम समय में इन्होंने कितने ज़्यादा स्कूल्स बना दिए। पहले वाले आंकड़े दिखाऊंगा और हाल फिलहाल 2023 में आप देख लेना कितने कम समय में इनके कितने ज़्यादा स्कूल्स बढ़ गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी EMRS में शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो निश्चित रूप से इसी रिक्रूटमेंट में उनको सिलेक्शन हो जाना चाहिए, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो स्कूलों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन, मैं ये भी नहीं बोल रहा साल दर साल भी नहीं बोल रहा, दिन प्रतिदिन आप बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से इन्होंने अपने स्कूल्स को बढ़ा रहे हैं। नहीं, शायद ही कोई दूसरी ऐसी कोई संस्था होगी जो इतनी तेज़ी से अपने स्कूल्स को बढ़ा रही होगी, क्योंकि ये दोस्तों जो ये EMRS का कंसेप्ट है ये एक नया कंसेप्ट है। ये KVS NVS की तरह काफ़ी पुराना नहीं है, ये बिल्कुल नया आपका कंसेप्ट है। शायद से 1997-98 के आसपास ये स्थापित किए गए थे, तो अभी इनकी संख्या बढ़नी है। तो जब स्कूलों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से इन्हें शिक्षक भी चाहिए होंगे। और जैसा आप जानते हैं कि जो ये इनके अब इन्हें EMRS को खुद के टीचर्स मिल जाएंगे, और साथ ही साथ जैसे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉडीज़ होती हैं जैसे KVS NVS होता है, तो उसमें आप जानते हैं इसमें ऐसा नहीं होता कि कम ज़्यादा बच्चों पर कम टीचर्स रख लेंगे। और जैसे स्टेट वगैरह के स्कूल होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएगी, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं वो सबसे पहले जो फॉलो करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थाएँ करती हैं, जैसे आपका KVS NVS, और अब तो आप उसमें ये भी इंक्लूड कर सकते हैं EMRS भी, क्योंकि बस इन दोनों में दोस्तों वैसे तो कोई फ़र्क नहीं है। जो नियम वगैरह रूल्स वगैरह सब कुछ सेम ही होते हैं, बस एलिजिबिलिटी वगैरह को आप देख लेना, वो सबके नोटिफिकेशन में सेपरेट से दे रखी होती है। बाकी जो नॉर्मल्स रूल्स होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, वही आपको KVS NVS और वही सेम आपको EMRS में देखने को मिलेगी। ठीक है, बस KVS NVS और EMRS में एक ही फ़र्क है, जो आपका KVS और NVS है वो शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और जो आपके EMRS है ये आपका जनजातीय मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है दोस्तों किस मंत्रालय के अंदर आपका डिपार्टमेंट आता है, बस सरकारी होना चाहिए ना, मेन तो यही बातें होती हैं। और जैसे KVS और NVS भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी है, सेम दोस्तों EMRS की जब हम बात करते हैं ये भी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अब ऑटोनोमस बॉडी बोले या फिर हिंदी में जिसे हम स्वायत्त संस्था बोलते हैं, इसे सुन के कुछ अभ्यर्थी घबरा जाते हैं कहीं ये प्राइवेट संस्थान तो नहीं है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये भारत सरकार की जो ऑटोनोमस बॉडी होती है भारत सरकार की, बस जो ये कार्य करती है अपने अनुसार करती है, बाकी दिशा निर्देश जो भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं उनके अनुसार ही इनकी कार्य प्रणाली चलती है। तो आप प्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्ट आप ये मान सकते हैं कि भारत सरकार की ही ये एक संस्थाएँ होती हैं, और बाकी आपको इंडिया में काफ़ी बड़ी बड़ी संस्थाएँ देखने को मिल जाएगी जो भारत सरकार की होती हैं। जैसे जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, या फिर जामिया की बात करते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितनी भी आपको बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में देखने को मिलेंगी सारी की सारी ऑटोनोमस बॉडी है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो गई। और जो भारत के सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे एक उदाहरण दूँ मैं आपको एम्स का, तो वो भी एक भारत सरकार की ऑटोनोमस बॉडी। तो ऑटोनोमस का दोस्तों बिल्कुल ये मत मान के चलना कि ये प्राइवेट या फिर प्राइवेट से मिलती जुलती, पूरी तरह से सरकारी होती हैं, बस जो अपनी कार्य प्रणाली होती है इनके अनुसार चलती है। कि दोस्तों जब हम इस रिक्रूटमेंट से संबंधित कन्फ्यूजन की बात करते हैं, तो वैसे अगर आप इसका नोटिफिकेशन देखोगे सारी बात इसमें बहुत अच्छे से मैंसन कर रखी है। अगर आप खुद से भी एक नोटिफिकेशन रीड करोगे मुझे नहीं लगता आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होगा, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से दे रखी है, चाहे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बात लेके करें या फिर हम जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसकी बात करें, बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है। खुद से नोटिफिकेशन पढ़ लेना, उस नोटिफिकेशन का लिंक या तो मैं आपको इस वीडियो में दिखा देता हूँ, बाकी या फिर मैं उसका लिंक मतलब उसका PDF इस वीडियो में दिखा देता हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो या फिर आप वेबसाइट या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन से कहीं से भी हम नोटिफिकेशन खुद से रीड करोगे काफ़ी अच्छे से समझ जाओगे। लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजिंग पार्ट है वो है दोस्तों आपका लैंग्वेज का, मतलब जो आपकी तीन आपकी लैंग्वेज है, ठीक है, तो इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि इसमें जो रीजनल लैंग्वेज है उनके लिए अलग रूल्स हैं, और जो आप नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं जैसे TGT के, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, SST, साइंस और जो मैथ के, इनके लिए थोड़ा सा अलग है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट तो दोस्तों जब ही हो पाएगा जब आपके फॉर्म का लिंक आ जाएगा, आज या कल में उसका लिंक भी आ जाएगा, जब अप्लाई करोगे तो वैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर भी जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ यही सारी चीज़ें रहने वाली, बाकी भविष्यवाणी तो दोस्तों कोई भी नहीं कर सकता,
ठीक है। तो इसमें आप नोटिफिकेशन वगैरह देखोगे, सारी चीज़ आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या एज लिमिट है, और जो मैक्सिमम रूल है दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट के लगेंगे, जो आपको KVS या फिर NVS में देखने को मिलते हैं। अब इसमें लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले उसकी बात करता हूँ जो आपके नॉर्मल 5 सब्जेक्ट है TGT का, इसमें आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस है। इसमें आप जानते हैं, चाहे इसमें करें किसी में करें, जो आपकी टोटल लैंग्वेज आने वाली है वो 30 नंबर की 3 लैंग्वेज आने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, तीनों लैंग्वेज को आपको अलग से क्वालिफाई करना पड़ेगा, हर लैंग्वेज में आपको 40% मार्क्स लाने पड़ेंगे। 3 लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज 10 नंबर की है, तो प्रत्येक लैंग्वेज में आपको कम से कम 10 में से 4 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है 2 में लिया है, तीसरे में नहीं लिया है, पहले दूसरी तीसरे में लिया है, पहले में नहीं, तीनों में आपको अलग से 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आप ये इतना स्कोर नहीं करते तो दोस्तों फिर आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, ठीक है। इसका सीधा सीधा अगर मैं आपको तुलना करके बताऊं, एग्जांपल दूं, तो DTRPSB से ले सकते हैं। जैसे DTRPSB के एग्जाम में भी आपका सेक्शन ए सेक्शन बी आता है, सेक्शन ए मतलब कॉमन पेपर, सेक्शन बी आपका विषय संबंधित होता है, तो उसमें भी फर्स्ट पेपर आपको 40% मार्क्स लाने ही होता है। अगर वो 40% मार्क्स से आप क्वालिफाई नहीं करते तो सेकंड पेपर में चाहे आप बटे बटे नंबर लें, उसको कोई खास फायदा होता नहीं है, क्योंकि आप वहीं डिसक्वालीफाई हो जाते हैं। सेम रूल आपका इसमें भी है, लेकिन जैसे उसमें सेक्शन ए में जो जनरल पेपर था आपका पूरा था, इसमें केवल लैंग्वेज है, 3 लैंग्वेज है, तीनों में आपको कम से कम 4 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है। चाहे आप रीजनल लैंग्वेज के टीचर बनते हैं, चाहे फिर जो नॉर्मल सब्जेक्ट है TGT के, यही मैथ, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, तो इनके बनते हैं। तो ये तो बात हो गई बिल्कुल क्लियर, ठीक है। लेकिन जो इसमें दूसरी बात है, दूसरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया 3 लैंग्वेज लेनी है, तो जो जनरल सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश, मैथ साइंस और मैथ साइंस और सोशल साइंस, ठीक है, जो ये 5 सब्जेक्ट है, इसमें जो आपकी 3 लैंग्वेज है, इसमें हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है। इसमें जो तीसरी रीजनल लैंग्वेज लेंगे ना आप, तो दोस्तों उसमें दे रखी हैं शायद से 18 लैंग्वेज दे रखी है, उसमें से तीसरे में से कोई भी आप एक लैंग्वेज ले सकते हैं। अब ये आप रिपीट कर सकते हैं या नहीं कर सकते दोस्तों, इसके मैक्सिमम चांस तो ये कि आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब हिंदी इंग्लिश तो आप पहली आपकी कंपलसरी है, वो तो लेनी लेनी है। जो 18 में से दोबारा से आप हिंदी इंग्लिश में से किसी एक भाषा का चयन कर सकते हैं, इसके मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो मान के चलो रीजनल लैंग्वेज में आप हिंदी ले लेते हैं, तो हिंदी आपको एक हिंदी इंग्लिश तो मिलेंगी 20 नंबर की, 10-10 नंबर की दोनों, जो कोई सबके लिए कंपलसरी है, बाकी रीजनल लैंग्वेज में आपके लिए ऑप्शनल। तो अगर आप उसमें हिंदी इंग्लिश में से हिंदी ले लेते हैं, तो आपको जो 10-10 नंबर की स्टार्टिंग में हिंदी मिल गई 10 नंबर की, और 10 नंबर की जो रीजनल लैंग्वेज में आपने चयन करा उसमें हो गई, तो 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की आपकी इंग्लिश हो गई। अगर आप रीजनल लैंग्वेज में इंग्लिश ले लेते हैं, तो 20 नंबर की आपकी इंग्लिश हो जाएगी, 10 नंबर की आपकी हिंदी हो जाएगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, अगर रीजनल लैंग्वेज के आप टीचर बनते हैं, ठीक है, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज इसमें TGT के लिए दे रखी है, तो इसमें ये दो लैंग्वेज उनके लिए भी कंपलसरी है, हिंदी इंग्लिश में से दोनों लेनी है आपको जो स्टार्टिंग है, बाकी रीजनल लैंग्वेज में से वही वाली लैंग्वेज लेंगे जिसके भी वो शिक्षक बनने वाले हैं। अब यही करेंगे लोग, मान के चलो कोई TGT बंगाली के लिए अप्लाई कर रहा है तो रीजनल में बंगाली ले लेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे मार्क्स वहाँ पे ला सकते हैं। कोई संस्कृत के लिए कर रहा है, रीजनल में संस्कृत ले लेगा, तो सेम ऐसे ही होगा, उसे हिंदी इंग्लिश तो है ही, लेकिन उसके वहाँ क्लैश नहीं होंगे। जैसे इससे पहले जो नॉर्मल सब्जेक्ट थे मैथ, सोशल साइंस, साइंस वगैरह, तो उसमें ये था कि रिपीट हो रहे थे, क्योंकि वहाँ दो में से कोई एक ले सकते हैं, ले कोई सी भी सकते हो, लेकिन मैक्सिमम अभ्यर्थी हिंदी इंग्लिश में से लेंगे कोई एक रीजनल लैंग्वेज में से। लेकिन यहाँ ये जिस भी आप रीजनल लैंग्वेज के शिक्षक बनने वाले, वही रीजनल लैंग्वेज आप उसमें ले लेना। किस में वाला? जो थर्ड लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। और वो रीजनल लैंग्वेज के लिए क्या है, तो उन्होंने पहले ही कर रखा है जो वैकेंसी में जो शेड्यूल दे रखा है, जितनी भी लैंग्वेज उसमें से कोई से भी आप एक ले सकते हो। तो स्वाभाविक सी बात है, जो भी जिस भी लैंग्वेज के शिक्षक बनेंगे अभ्यर्थी वही वाली लेगा, क्योंकि उसमें अच्छी वो रैंक कर सकते हैं जो भी रीजनल लैंग्वेज के टीचर बनने वाले, ठीक है। तो बस दोस्तों इसमें यही कन्फ्यूजिंग पार्ट था, मैंने आपको बता दिया 3 लैंग्वेज में से आपको तीनों कौन कौन सी लेनी है और तीनों को आपको क्वालिफाई करना है, तो खैर नोटिफिकेशन में भी दे रखा। तो अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आप वहीं डिसक्वालीफाई हो जाओगे। बाकी दोस्तों आप इसमें जानते हैं, ये अपेयरिंग वाला कोई भी सीट नहीं, जो भी इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है 18 अगस्त 2023, इस डेट तक आपकी जितनी भी इसमें क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। बस यही बात है, अपेयरिंग का इसमें कोई रोल नहीं। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट से लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा चैनल शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी इसमें जो आपके कॉमन जो डाउट है वो तो दोस्तों आप नोटिफिकेशन से क्लियर कर लोगे, लेकिन फिर भी कोई आपका विशेष डाउट है तो निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझसे वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।